नमस्कार, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बड़ी खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। खबर है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के मेंबरों ने आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर एक यात्रा निकाली। यात्रा के बाद बीजेपी के नेता जगत सिंह जग्गी ने कहा कि कांग्रेस एक ड्रामा कर रही है, काम कर रही है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन कांग्रेस के लोग जानबूझकर ऐसा काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या कहेंगे, मतलब एनएसएल की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, गाड़ी की आपने डिमांड रखी थी आज, वही एक टॉय कार की तरह लेकर आए हैं। गाड़ी की डिमांड जो रखी थी ना, वो आज की नहीं है, बहुत पुराने लोगों की डिमांड है। जो भी पाप चुके हैं, जो भी सीनियर डिफेंडर या डिफेंडर बने, समय समय पर इस चीज़ की डिमांड उठती रही है। और पहली बार है, शायद आपने भी देखा होगा क्योंकि आप भी यहाँ पर कवर करते हो काफ़ी टाइम हो गया, कि चंडीगढ़ में कभी भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को काम नहीं दिया गया। सारा काम मेयर जो भी बनता है वही करता है। लेकिन पहली बार है कि गवर्नर साहब ने कहा कि इन्हें भी कोई ना कोई काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिसमें कि 13 गाँव की जिम्मेदारी जो नए शामिल हुए हैं मेरे को दिए गए। और कॉरपोरेशन के अंदर किसी की भी कोई तनख्वाह नहीं है, सिर्फ अनोरी में है कि वो भी आए गए का जो खर्चा है। लेकिन उसके अंदर ये था कि आज से जब कॉरपोरेशन बनी थी, जो रूल रेगुलेशन बने थे, उस टाइम के हिसाब से जो भी खर्चे थे ठीक थे। लेकिन आज के टाइम आम आदमी भी चंडीगढ़ से 17 सेक्टर तक आता है तो 500 रुपये का मिनिमम तेल लगाता है। हम कहते हैं कि गाँव के 13 गाँव में मीटिंगें करने जाना है, अगर भ्रष्टाचार पर इल्जाम लगानी है तो उसके अंदर ये जरूरी होगा कि अगर एक SDO गाड़ी लेकर जाता है सरकारी, तो क्यों ना वो चाहे अपनी गाड़ी में ले जाए या कोई और गाड़ी मुहैया कराए, कि वो अपने सीनियर डिप्टी और डिप्टी जनरल को क्यों ले जा सकते। क्योंकि अगर मैं तो जनरली सभी के तरफ से एक बात कहूँगा कि भ्रष्टाचार कहाँ होता है, जब बंदे की जेब पर ज़्यादा वोट डलता है तो वो कहीं ना कहीं खर्चा निकालने की सोचता है। लेकिन मेरी सोच है या हमारे भाजपा पार्षदों की सोच है कि कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो, अगर हम सरकारी गाड़ी यूज़ करेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, हम कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। सर, उनका कहना है कि जब कांग्रेस का टाइम था तब कांग्रेस ने भी जो है बिना गाड़ी के ही काम किया वो किए हैं। ऐसे है, फर्क है दोनों में। आज मोदी सरकार को 6 साल हुए, एक भी घोटाला सामने नहीं आया। वही नगर निगम में अब एक ही पार्षद ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम हो। और कांग्रेस का तो मैं नाम ही लेना चाहूँगा, चाहे सेट घोटाला चाहे बूथ घोटाला, कहीं ना कहीं उनके घोटालों में स्लिप गई। जिन्होंने करोड़ों रुपये कमा रखे हैं उनको गाड़ी मिले या ना मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी जाएंगे ना, वहाँ भ्रष्टाचार का ढूंढेंगे कि किस गांव में हमने दौरा किया, वहाँ कौन सी जमीन हम दबाना चाहते हैं। ऐसा वो उनकी सोच है, उनकी पार्टी की सोच है, उनकी विचारधारा है। लेकिन बीजेपी की विचारधारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, और जो सहूलत अगर हम पार्षद को देते हैं उसके बजाय और जो कहीं भी अच्छी सहूलत दें, ताकि कहीं भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का मौका ही ना मिले। ठीक है सर।